एक समय जब आया था, तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरित्र मानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। किसी का मानसिक स्थिति खराब हो और एक अपराधी रामचरित्र मानस का ज्ञान दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। हम तो कहते हैं कि अगर जो आप सच्चा हिंदुत्व का सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपने पार्टी से जितना हिंदू मुस्लिम लोग हैं सबको निकाल दीजिए। लालू जी ने पूरे राजद का अपराधीकरण किया और एक अपराधी रामचरित्र मानस पर बोलने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो नीतीश जी का करिश्मा है कट एंड पेस्ट एक ही जाति के 5 नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए, और जो तानाशाह हो गया वो बूढ़े हो चुके हैं, ये उनको पता नहीं है। तो जो बूढ़े आदमी हैं उनको आराम करना चाहिए। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं, कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था, तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरित्र मानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया, तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था, जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। जब हमारा देश खतरे में था, उस वक्त मुसलमान भगा देना नहीं था, हिंदू देश से भगा देना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि अगर जो आप सच्चा हिंदुत्व का सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपने पार्टी से जितना हिंदू मुस्लिम लोग हैं सबको निकाल दीजिए, भगाइए अपने पार्टी से। 3 तलाक कहाँ लाए थे? नहीं लाना चाहिए था आपको। देखिए, किसी का मानसिक स्थिति खराब हो और एक अपराधी रामचरित्र मानस का ज्ञान दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। एक गुंडा अपराधी जिसने पूरे उस इलाके को लूटने का काम किया, लालू जी ने उनको विधायक का टिकट दिया, और वो रामचरित्र मानस पर जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लालू जी ने पूरे राजद का अपराधीकरण किया और एक अपराधी रामचरित्र मानस पर बोलने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं। नीतीश जी से ज़्यादा किसका संपर्क था बीजेपी में? नीतीश जी तो 1996 से संपर्क में थे, और जहाँ तक दलित अपमान का बात है, नीतीश कुमार जी को यह आदत रहा है, पहले जीतन राम मांझी जी को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया, अब उनके बेटा को मुख्यमंत्री पद से हटाया। नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गया, और जो तानाशाह हो गया वो बूढ़े हो चुके हैं, ये उनको पता नहीं है। तो जो बूढ़े आदमी हैं उनको आराम करना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं जीतन राम मांझी जो खबर था वो लीक कर रहे थे बीजेपी को, वो तो कई बार वही लीक करते हैं। उन्होंने कल या परसों कहा है कि देश में लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है, ये पूरा देश जानता है कि ये अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री जी को है। तो इसका मतलब नीतीश बाबू की वार्ता प्रधानमंत्री से हुई है ना, तो ये किस आवाज पर वो बोल रहे हैं? तो नीतीश बाबू को यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी वार्ता हुई, और क्योंकि उन्हीं को यह अधिकार है तभी तो यह बात बोले होंगे, और नहीं तो गड़बड़ा गए होंगे, तब तो कुछ नहीं कहना है।
आज रत्नेश सदा को मंत्री पद का शपथ दिलाया और दशरथ मांझी के बेटे को उन्होंने पार्टी में शामिल करा के दिखाने की कोशिश की कि जो मिसर समाज है उसकी कितने हितैषी जेडीयू। स्वाभाविक है, जेडीयू ने ही मुख्यमंत्री पद से हटाया, यही तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट। एक ही जाति के पांच नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये 30 मई से कार्यक्रम चल रहा है, ये लोग का सपना में अभी तारीख तय हो रहा है। ये लोग 3 तारीख बदल चुके हैं, हमारे यहाँ तारीख नहीं बदलता है। हमारे यहाँ 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चला रहे हैं और देश की जनता को बता रहे हैं कि भारत 2014 के पहले क्या था और 2023 में कैसा भारत, ये बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है कि गोल गोल सिर्फ घुमा रहे हैं बिहार के लोगों, वही सड़क, वही बिजली, वही पानी। आज भी देख लीजिए पूरे बिहार में कहीं भी 15 घंटे बिजली नहीं मिल रहा है नीतीश के राज में। ये लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और 23 की बैठक में होना क्या है, उसमें तो बहुत दुख है हमें कि नीतीश बाबू को सपना दिखाकर हम लोगों से अलग किया गया और सपना सिर्फ इसलिए तोड़वा दिया गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल गए। तो नामे जब भूल गए उसके बाद उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हटा दिया गया। ये बिहारी होने के चलते अब लगता है अपमानित हो रहे हैं।